हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे 3D जूम इफेक्ट, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, जो है कैपकट और सुपर वीपीएन। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने वीपीएन को खोल लेना है, तो उसके बाद ऊपर जाके नीचे ये इसको यूके पे सेट कर देना है। आपकी मर्जी, आप किसी और पे भी सेट कर सकते हैं, और फिर कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब कनेक्ट होने का वेट करेंगे। कनेक्ट होने के बाद हम लोग अपना कैपकट को खोल लेंगे। अब कैपकट को खोलने के बाद हमें ये इंटरफेस दिखेगा, जिसमें न्यू प्रोजेक्ट होगा। तो हमें इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और हमें इस रील के लिए 17 फोटोज और सॉन्ग को इनपुट करना है। सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप लोग ये सब कुछ पुट कर लेंगे, तो इसके बाद सबसे पहला स्टेप हमें करना है कि हमें इसका फॉर्मेट को चेंज करना है, जो कि है 9x16। रील के लिए 9x16 होगा। तो 9x16 को सेट करने के बाद हमें अपनी सारी फोटोज़ को रिसाइज कर लेना है, ताकि वो पूरी फिल हो जाए। मैंने सारी कर दी हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपनी फोटोज़ को ऑडियो के अकॉर्डिंग ट्रिम करना है। फर्स्ट फोटो को 1.2 सेकंड्स के लिए ट्रिम करना है, फिर सेकंड फोटो को 1 सेकंड के लिए। तो ऐसा करते हैं ना, मैं आपको सारे टाइम स्टैम्प्स दे देता हूँ, आप टाइम स्टैम्प्स में देख लीजिए हर फोटो कितने देर के लिए ट्रिम करना है। तो मैं फटाफट ये ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैंने सारी फ़ोटो ट्रिम कर ली है। अब हमें क्या करना है, अपनी सारी एक एक फ़ोटो को सिलेक्ट करके अब हमें स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है। अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और उसमें 3D जूम को सिलेक्ट कर लेना है। 3D जूम सिलेक्ट करना है हमें हर फोटो के लिए। 3D जूम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हर फोटो पे 3D जूम अप्लाई हो जाए, हमारा काम खत्म। उसके बाद ऊपर राइट टॉप पे एक्सपोर्ट का साइन है, उस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। मैं 1080p में करता हूँ, और फ्रेम रेट आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं 60 पे करता हूँ, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपकी वीडियो आपके गैलरी में मिल जाएगी,